الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم محبت کر عطا بنت شفیع روز محشر کی علی شیر خدا کی حضرت شفیر و شفر کی ابو بکر و عمر عثمان حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے سوئے دار البقا ہو یا الہی جب ہمیں جانا بحق سرور دین خاتمہ بالخیر فرمانا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول چند اشعار نعت پاک کے اجازت ہو تو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں بڑی اچھی اچھی آوازوں میں آپ نے نعت پاک منقبت سماعت کی اور چند اشعار میں بھی پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتظر 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 ہے میرے دل کی آنکھیں یا نبی دل میں آنا پڑے گا منتظر ہے میرے دل کی آنکھیں یا نبی دل میں آنا پڑے گا منتظر ہے میرے دل کی آنکھیں یا نبی دل میں آنا پڑے گا منتظر ہے یا نبی دل میں آنا پڑے گا منتظر میں میرے دل کی آنکھیں یا نبی دل میں آنا پڑے گا
और मुद्दतों से मेरा दिल है यसरब, मुद्दतों से मेरा दिल है यसरब, अब मदीना बनाना पड़ेगा, मुद्दतों से मेरा दिल है यसरब। बीमारियों की जगह, बुराइयों की जगह, फितने की जगह, मुद्दतों से मेरा दिल है यसरब, अब मदीना बनाना पड़ेगा, मुंतजिर है मेरे दिल की आंखें, या नबी दिल में आना पड़ेगा। और इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, आशिकों को बताना पड़ेगा, जब बुलाएंगे सरकार तैबा, जब बुलाएंगे सरकार तैबा, सर के बल चल के जाना पड़ेगा, इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, इश्क क्या चीज होती है अब ये आशिकों को बताना पड़ेगा, जब बुलाएंगे सरकार तैबा, सर के बल चल के जाना पड़ेगा, जब बुलाएंगे सरकार तैबा, सर के बल चल के जाना पड़ेगा। आला हक़ को सब पहचानते नहीं आलम आज शरिया को, माशाल्लाह। काम जो भी था अहमद रज़ा का, कर गए हैं वो ताजो शरिया। ये शेर ऐसे था, कर रहे हैं वो ताजो शरिया, तो मैंने वादे मिसाल इसको, कर गए हैं ताजो शरिया। काम जो भी था अहमद रज़ा का, कर गए हैं वो ताजो शरिया, काम जो भी है अहमद रज़ा का, कर गए हैं वो ताजो शरिया, काम जो भी कर गए हैं वो ताजो शरिया, काम जो भी है अहमद रज़ा का, कर गए हैं वो ताजो शरिया,
इसलिए फख्र अजहर का नारा, इसलिए फख्र अजहर का नारा, सुन्नियों को लगाना पड़ेगा, इसलिए फख्र अजहर का नारा, सुन्नियों को लगाना पड़ेगा, इसलिए फख्र अजहर का नारा, सुन्नियों को लगाना पड़ेगा। और एक शेर और समाप्त कर दें। ये हामिद रजा को जानते हैं आप, आला हजरत के बड़े साहबजादे हैं हामिद रजा खान, जिनको हुज्जतुल इस्लाम भी कहते हैं। ये कहा मेरे हामिद रजा ने, ऐ रईसे उड़ीसा सुनो तुम, ये कहा मेरे हामिद रजा ने, ऐ रईसे उड़ीसा सुनो तुम, ये कहा मेरे हामिद रजा ने, ऐ रईसे उड़ीसा सुनो तुम, ये कहा से उड़ीसा सुनो तुम, मार कर आला हजरत का डंडा, मार कर आला हजरत का डंडा, नजदियों को भगाना पड़ेगा, मार कर आला हजरत का डंडा, नजदियों को भगाना पड़ेगा। मैदान महशर में का नक्शा भी है और हुजूर ने सजदे में रह कर के अल्लाह तबारक व तआला से हम गुनाहगारों के लिए दुआएं की हैं, और बरोज़े क़यामत हुजूर का सर सजदे में होगा, तो अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद सजदे से सर उठाओ, जिसकी कहोगे उसकी शफाअत कर दी जाएगी, है ना। मेरे महबूब सजदे में तुम हो, कह रहे हो ये सर ना उठेगा, मेरे महबूब सजदे में तुम हो, कह रहे हो ये सर ना उठेगा, मेरे महबूब सजदे में तुम हो, कह रहे हो ये सर ना उठेगा, मेरे महबूब सजदे में तुम हो, कह रहे हो ये सर ना उठेगा, बख्श दी मैंने उम्मत तुम्हारी, बख्श दी मैंने उम्मत तुम्हारी, अब तो सर को उठाना पड़ेगा, बख्श दी मैंने उम्मत तुम्हारी, अब तो सर को उठाना पड़ेगा, मुंतजिर मैं मेरे दिल की आंखें, या नबी दिल में आना पड़ेगा, मुद्दतों से मेरा दिल यसरब, अब मदीना बनाना पड़ेगा। दुरूद पाक पढ़ें, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم। हजरात काबिल मुबारक बांध हैं वजीर संगम बिहार के तमाम गयूर मुसलमानान अहले सुन्नत, और खास तौर से
यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का बेड़ा उठाया, साथ में और लोगों ने भी कदम से कदम मिलाया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम की कोशिशों काबिशों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का हम जिक्र पाक कर रहे हैं और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, قل لا أسألكم عليه أجرا, اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا, میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں مانگتا, اجرت نہیں مانگتا, کس پر؟ ये तुम तक जो मैंने दीन पहुंचाया इस पर, मैंने तुम तक कलमा पहुंचाया, मैंने इस्लाम पहुंचाया, मैंने कुरान पहुंचाया, मैंने नमाज पहुंचाई, मैंने जकात पहुंचाई, मैंने हज के आकाम पहुंचाए, मैंने शरीयत पहुंचाई। अल्लाह फरमाता है हबीबा फरमा दो मैं दीन की तबलीग पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, कुछ उजरत तलब नहीं करता, कुछ बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबत दारों से मोहब्बत करो, यानी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, कुछ नहीं मांगा गया सिवाय अहले बैत की मोहब्बत के। अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया, हबीब से क्यों कहलवाया? इसलिए हम जब अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो हमारे दीन और ईमान की हिफाजत हो जाएगी। अहले जब कुछ नहीं मांगा तो मोहब्बत भी नहीं मांगी जाती, मोहब्बत भी तलब ना की जाती, लेकिन मोहब्बत मांगना यह अहले बैत की जरूरत नहीं है बल्कि ये उम्मत की जरूरत है, ताकि हम अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहें, हमारा दीन और ईमान महफूज रहे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे अंदर दो वजनी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब कुरान मजीद और एक तेरे अहले बैत, इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह न होगे। आज कुछ लोग हैं जिन्होंने अहले बैत को बागी का, यजीद को अमीरुल मोमिनीन का, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुरान के पारे भी पूरे ना माने, लेकिन सुन्नियों तुम अपने मुकद्दर पर नाज करो, तुम्हारे एक हाथ में दामन है अहले बैत का और एक हाथ में कुरान पाक है, तुम अब भी हम पर हो और इस पर कायम रहे तो इंशाल्लाह सुबह कयामत तक हक पर रहोगे। आज देखो कितने फिरके हो गए, हर फिरका कितनी जमातों में बट गया, वो जमातें कितनी लाबियों में बट गई, किसी के पास अहले बैत का बुग्ज है, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कुछ वो हैं तो सहाबाए इकराम को गालियां देते हैं, कुछ वो हैं जो नबी को माजल्लाह अपनी तरह कहते हैं, कुछ वो हैं जो कहते हैं कुरान पाक के 40 पारे किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में किसी ने कुरान को छोड़ा, किसी ने अहले बैत को छोड़ा, लेकिन तुम वो खुशनसीब मुसलमानों, तुम्हारे हाथों में कुरान भी है और अहले बैत का दामन भी है। बागे जन्नत के हैं बगैरे मदखाने अहले बैत, बागे जन्नत के हैं बगैरे मदखाने अहले बैत, और तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत,
तुमको मुजदा नार का है दुश्मन ने अगले बैत। आज मेरा दिल चाह रहा है कि इमाम मुस्लिम का जो कूफे का सफर है वो बयान करूं, उनकी शहादत और उनके दोनों बच्चों की शहादत, और इंशाअल्लाह तकरीर खत्म कर दूंगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब यजीद तख्त नशीन हो गया और आपसे जब बैत का मुतालबा किया, इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद फासिक व फाजिर है, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा, यजीद के हाथ पर बैत नहीं की जाएगी। मरवान एक शख्स था, उसने मशवरा दिया कि सख्ती करो इन पर। अब इतना पूरा वाकया सुनाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, सिर्फ इतना समझ लो, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया बैत से और मदीने से मक्के के लिए रात में ही रखते सफर बांध दिया। मक्के में लोगों ने समझाया, ऐ इब्ने रसूल आप कूफा ना जाएं, कूफा के लोगों की बेवफाई बड़ी मशहूर है, आपके वालिद के साथ बेवफाई की है उन्होंने, आपके भाई हसन के साथ बेवफाई की है। इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने समझाया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने समझाया, दीगर लोगों ने समझाया, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने समझाया, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत खुदा की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा कि कौम पुकारती रही आओ हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, लिहाजा जो होना है वो होकर रहेगा। फिर मशवरा ये दिया गया कि इमाम मुस्लिम को जो आपके चचाजाद भाई थे इमाम हुसैन के, कहा उनको अपनी तरफ से वहां का माहौल देखने के लिए भेजो, वहां के माहौल से आपको मुतला कर देंगे, वहां के लोगों का नजरिया क्या है, जब वहां का माहौल साजगार पाएंगे वो तो वहां से आपको खत लिख देंगे, इतला दे देंगे आपको, फिर आप चले जाइए। अगर हजरत मुस्लिम के हाथ पर आपकी बैत उन्होंने कर ली, हजरत मुस्लिम जो इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे उनको रवाना किया। हजरत मुस्लिम के दो छोटे छोटे फर्जंद थे, एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम इब्राहिम, उनको भी साथ में ले लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए, वहां के लोगों ने इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, बड़े बड़े अमीरों के यहां पर आपको ठहराया और आपके हाथ पर इमाम हुसैन की लोग बैत करने लगे, यहां तक के मुहतात रिवायत जो है वो जो मुहतात मुअर्रिख है, 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन की बैत कर ली, एक रिवायत में 40,000, लेकिन जो मुहतात मुअर्रिख है उनके हिसाब हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि लोग बड़ी मोहब्बतें पेश कर रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन की बैत मेरे हाथ पर कर रहे हैं। आपने खुश होकर के इत्मीनान पाकर के इमाम हुसैन को खत लिख दिया कि आप कूफा जाएं, कूफा के लोगों ने बैत कर ली आपकी मेरे हाथ पर। इधर ये खत रवाना हुआ, इधर जो यजीद के लोग थे, यजीद के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने खत लिखा किसके लिए, यजीद के लिए। और उस वक्त जो कूफा के गवर्नर थे वो एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला, वो कूफा के गवर्नर थे। लिख दिया गया खत में, ऐ यजीद मुस्लिम इब्ने यकील आ गए हैं इमाम हुसैन के, हाँ इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, लोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं और नुमान बिन बशीर उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं, नरमी बरत रहे हैं, भलाई का मामला उनके साथ कर रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा,
कूफा के अंदर बगावत हो जाएगी, लिहाजा किसी ऐसे आदमी को भेजते नौमान बिन बशीर की जगह मुकर्रर करके कि वो इमाम हुसैन इमाम हजरत मुस्लिम से तुम्हारी बैत ले, इमाम हुसैन से बैत ले, और जो लोग उनको हाथ पर बैत कर रहे हैं उनसे भी बैत ले और सजा दे उनको। उधर वो खत इमाम हुसैन की तरफ पहुंचा, ये खत जो है यजीद की तरफ पहुंचा। जब यजीद के पास ये खत पहुंचा, एक सरजू नाम का शख्स, तारीख में उसका जिक्र आया है, ये यजीद का बड़ा खास था, लेकिन या तो यहूदी था या ईसाई था, मुसलमान नहीं। उसने मशवरा किया कि ये बताओ मैं कूफा के ताल्लुक से क्या करूं। इस तरीके से मुस्लिम इब्ने अकील वहां पहुंच गए हैं, तो उसने कहा कि अगर कूफा की बगावत को तुझे दबाना है तो एक ही शख्स है जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, जो बसरे का गवर्नर है, उसको वहां से हटा करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा भेज दे, वो उन पर गलबा पालेगा। उसने फौरन इस मशवरे पर अमल किया और खत लिखा और कहा कि तू फौरन बसरा को छोड़ करके कूफा पहुंच जा, और जिन लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की है उन लोगों को सजा दे और बगावत को दबा और मुस्लिम को शहीद मुस्लिम को कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर। ये खत जब उसके पास पहुंचा, वो अपने साथियों के साथ तकरीबन कुछ उसके घर वाले थे, कुछ और लोग थे, तकरीबन 40 से 50 लोगों का वफ़द, 40 से 50 लोगों का काफिला था। वो आया और आने के बाद जब कूफा में दाखिल होना चाहता था तो उसने एक मक्कारी की लोमड़ी की तरह चालाक था, मक्कारी ये की ही, उसने कहा कि मगरिब और इशा के दरमियान में कूफा में दाखिल होऊंगा, इसलिए कि रात की तारीकी लोग मुझे पहचान ना पाए, और मैं बसरा के रास्ते से नहीं बल्कि मैं हिजाज के रास्ते से, जो मक्का और मदीने से रास्ता आता है, मैं उस रास्ते से दाखिल होऊंगा। और उसने हिजाजी लिबास पहना, उसकी उसका मकरूह फरेब ये था कि हिजाजी लिबास में जब लोग मुझको देखेंगे और हिजाजी रास्ते से जब मुझे आता हुआ देखेंगे, लोग समझेंगे इब्ने रसूल है, लोग समझेंगे नवासा रसूल है, लोग समझेंगे इमाम हुसैन है। और उसकी ये चाल कामयाब हो गई। जब मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त आया, उसने हिजाजी लिबास पहना और अपने घर के लोगों को तो रोक दिया और बसरे का रास्ता छोड़ करके हिजाज के रास्ते से हिजाजी लिबास पहन करके मगरिब और इशा के दरमियान वो कूफे में दाखिल हुआ। लोगों ने जब देखा हिजाजी लिबास में एक शख्स आया हुआ है और जो है हिजाज के रास्ते से आया हुआ है, लोगों ने सोचा ये इब्ने रसूल है, लोगों ने सोचा ये इमाम हुसैन है, लोगों ने सोचा ये रसूल है। लोग चौक पर चौक आते रहे, मरहबा इब्ने रसूल कहकर के इस्तकबाल करते रहे, लोग नारे लगा रहे हैं मरहबा और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वो मुड़ मुड़ करके सबको घूरता जा रहा है, देखता जा रहा है कौन नारा लगा रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है, लोग हैरत नहीं थे कि हम इसको सलाम करते हैं, सलाम अलैका या इब्ने रसूल, लेकिन ये सलाम का जवाब नहीं देते। आखिरकार ये हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमारे हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता वो काफिला वो भीड़ वो जुलूस अल्लाहू अकबर कूफे के अंदर दाखिल हो गया। लोग सोच रहे थे जहाँ मुस्लिम इब्ने अकील ठहरे हुए हैं वही पर इनका कयाम होगा, लेकिन आगे जाकर के उधर ना जाकर के बल्कि कूफा के गवर्नर हाउस की तरफ वो काफिला मुड़ जाता है। लोगों ने गौर से देखा, आखिरकार ये कूफा के गवर्नर हाउस की तरफ क्यों जा रहे हैं। अगर ये इब्ने रसूल होते तो ये तो नवासा रसूल होते, इमाम मुस्लिम की कयाम गाह पर जाते, उनसे मुलाकात करते। लेकिन लोगों ने जब देखा तो कहा कि ये इब्ने रसूल नहीं है बल्कि ये इब्ने मरजाना है, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, जो धोखा दे करके गलियों में दाखिल हुआ। हिजाजी लिबास, हिजाजी रास्ता। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने साथ छोड़ दिया। पहुंचा गवर्नर हाउस में सूफा के, और गवर्नर हाउस में जो वहां के गवर्नर थे हजरत नौमान बिन बशीर, सबसे पहले उनको माजूली का खत दिखाया, कहा तुम माजूल हो चुके हो, अब तुम जाओ उनको गिरफ्तार किया नौमान बिन बशीर को, और साथ ही उनको बहुत बुरा भला कहा और उनको माजूल कर दिया।
और जो बड़े बड़े रईस लोग थे वहां कूफा के, उनको उसने उठाना शुरू कर दिया। कूफा की मस्जिद में उसने तकरीर की खुतबा दिया, कहा कि तुम मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैत कर रहे हो, उनको पना दे रहे हो, यजीद इस बात को गवारा नहीं करेगा। अच्छा, नौमान बिन बशीर जो थे वो कहते मुस्लिम इब्ने अकील से तो कुछ नहीं कहते थे, वो मुहिब्बे अहले बैत थे, मामे हुसैन रजी अल्लाह तआला के चाहने वालों में थे, नबी के सहाबी थे, लेकिन लोगों से इतना जरूर कहा था उन्होंने कि देखो यजीद इस बात को गवारा नहीं करेगा जो तुम मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैत कर रहे हो, यजीद बहुत सख्ती से पेश आएगा। लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील से उन्होंने कुछ भी ना कहा, अलबत्ता ये माजूल हो गए। और जब आया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तो इसने सख्ती की लोगों पर, जो कूफा के बड़े बड़े अमीर लोग थे, सबको उठाना शुरू कर दिया, सबको परेशान करना शुरू कर दिया। ये तो रीत और रिवाज है कि जो समाज में बड़े बड़े लोग होते हैं, जब जालिम कोई आता है तो सबसे पहले उनको उठाता है, उभरते हुए लोगों को उठाता है और उनको गिरफ्त में ले लेता है, उनको मुकय्यद कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह तआला की तलाश उसने शुरू की, जासूस लगा दिया और कहा कि तुम लोग मुस्लिम इब्ने अकील को का पता करो और मुझे गिरफ्तार करके मेरे पास हाजिर करो। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का पता नहीं था, लोगों को चंद लोगों को पता था। अब जासूस पर जासूस लगे हुए, तलाश किया जा रहा है हजरत मुस्लिम को, लेकिन पता नहीं। हजरत मुस्लिम जो थे वो हजरत हानी बिन उरवा के यहाँ पर चले जाते हैं। ये हानी बिन उरवा कौन थे? ये मुहिब्बे अहले बैत थे और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन जब उनके यहाँ पहुंचे हजरत मुस्लिम, तो बाद मुअर्रिखों ने लिखा है कि उनको आना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं, इसलिए कि शहर के हालात खराब थे, माहौल खराब था। लेकिन जब आ गए तो मेहमान नवाजी की, उनके लिए बिस्तर दिया, उनकी खिदमत की और एक जासूस स्पेशल तरीके से हजरत मुस्लिम की तलाश में लगाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, मुहिब्बे अहले बैत के हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा बड़े नेक और बहुत अजमत के हामिल बुजुर्ग थे। जब सब लोग नमाज पढ़ के चले गए, एक शख्स आया, वही जासूस, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा के पास आकर के कहा, ए बिन मुस्लिम औसजा, मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ, मैं तिजारत के लिए आया हूँ, मैंने सुनाया कि नवासा रसूल यहाँ पर मौजूद है, मुस्लिम इब्ने अकील यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ और मेरे पास ये 3000 दीनार जो है, मैं इनकी नजर उनको पेश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि इतनी नमाजियों में तुझे मैं ही छटा था, मुझसे ही क्यों पूछ रहा है, मुझे क्या पता हजरत मुस्लिम का। उसने कहा कि आप अच्छे दूरानी चेहरा बता रहा है कि आप एक अजीम बुजुर्ग हैं, आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, आपको मालूम जरूर होगा ये बड़ा नेक अच्छा काम है, ये नजर में उनको पेश कर दूं तो उनके काम आ जाएगा, मेरी मोहब्बत उनके काम आ जाएगी। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा उसके दावे फरेब में आ गए। मोमिन हमेशा जो है वो नरम दिल हुआ करता है, मकरो फरेब में कभी ना कभी आ ही जाता है। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने साथ लिया उसको और हजरत हानी बिन उरवा के यहाँ लेकर के मुलाकात करवा दी। उसने कहा कि हुजूर, मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ, एक ताजिर हूँ, मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ, मेरे पास ये 3000 दीनार है, मैं आपको नजर पेश करना चाहता हूँ, इसको ले लीजिए। हजरत मुस्लिम ने उनको लेकर के किसी को दे दिया, अल्लाह को समझ। फिर वो 3-4 दिन मुसलसल आता रहा और एक एक चीज की खबर रखता रहा, अल्लाह को समझ। 3-4 दिन के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की बार यहाँ जाकर के दरबार में उसने मुखबरी कर दी हजरत इमाम मुस्लिम की।
हजरत हानी के यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को बुलवा भेजा। हजरत हानी ने जब इतना सुना के बुलावा आया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के यहाँ से, वो समझ गए कि इसको पता लग गया, विरासत मोमिन की वजह से उन्होंने पता लगा लिया, अंदाजा हो गया। अल्लाह उस समय हजरत मुस्लिम से कहा, अब मैं जा रहा हूँ, शायद उसको पता लग गया है कि आप मेरे यहाँ पर ठहरे हुए हैं, लेकिन आप अपनी हिफाजत फरमाए। अब मैं तो चला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास, जो भी मामला होगा देखा जाएगा। हजरत हानी पहुंच जाते हैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर, बहुत गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन इन्होंने जो सलाम किया तो ना तो सलाम का जवाब दिया और ना खुश अखलाकी से पेश आया, ना खंदा पेशानी से पेश आया। तो उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ मामला क्यों है? इससे पहले जब मुलाकात होती थी तो बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात होती थी, आज ये बेरुखी कैसी है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुमने हुकूमत के खिलाफ काम किया है, तुम्हारे घर में हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनते हैं, तुम्हारे यहाँ से जंग जंग के मंसूबे बनते हैं, हुकूमत के खिलाफ यजीद के खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुमने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तुमने जो है मुस्लिम बिन अकील को अपने यहाँ बना दी है और तुम हुकूमत के मुजरिम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नरमी के साथ पेश आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बेरुखी के साथ पेश आ रहा हूँ और सख्ती के साथ पेश आऊंगा। मैंने कहाँ छुपा रखा है? कौन कहता है कि मैंने छुपा रखा है? वही जासूस को लाया गया और सामने कर दिया गया। हजरत हानी लाजवाब हो गए, कहा झूठ बोलना या दिफा करना इमाम मुस्लिम का बेकार है, इसलिए कि ये जासूस से सारी खबर इसने दे दी। तो कहा बताओ क्या कहोगे? तो कहा कि देखो अब वरन तो मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो खुद मेरे यहाँ पर आए थे और खुद मेरे यहाँ आ गए, तो वो नवासाए रसूल हैं, उनका एहतराम करना, उनकी खिदमत करना, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। अहले अहले बैत की मोहब्बत ईमान में शामिल है। मेरे हुजूर ने फरमाया है चंद अहदीस की, वहाँ जो है चंद अहदीस है अहले बैत की खिदमत में मौजूद है, लेकिन वक्त नहीं है कि उन अहदीस को मैं आपके सामने पढ़ूं। मैं जल्दी जल्दी इस वाक्य को आगे बढ़ाकर तकरीर को खत्म कर देना चाहता हूँ। अल्लाह समझ, वो कहा कि वो खुद आए थे, मैंने उनको नहीं बुलाया, जब वो आ गए तो मैं अपने घर से उनको कैसे निकाल सकता था? तो कहा कि लाओ अब मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो। उन्होंने कहा खुदा रहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं मुस्लिम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम हजरत मुस्लिम को कत्ल कर दोगे, लिहाजा वो नवासा रसूल है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम को तुम्हारे हाथ में देना ये गवारा नहीं कर सकता। तो वहीं उसने एक डंडा उठाया और डंडा उठाकर हजरत हानी को इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया और वहीं कैद कर लिया। और जब आप कैद हो गए तो हजरत हानी के लोगों को ये खबर पहुंच गई कि हजरत हानी को शहीद कर दिया गया। उनके खानदान के लोग निकल आए, साथ में और लोग भी निकल आए। जब इंतकाम की आवाज बुलंद हुई, हजरत मुस्लिम भी निकल आए और गवर्नर हाउस का जाकर के घेराव कर लिया। तकरीबन 40,000 लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, साथ में हजरत मुस्लिम भी वहां पर। अब जब उन्होंने देखा कि 40,000 लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसने जो है जो वहां के काजी थे, काजी शुरह को बुला भेजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, और अंदर बुलाया, कहा तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम ये हजरत हानी को देख लो कि ये जिंदा है, और बाहर जाकर के ये ऐलान कर दो लोगों से कि हानी को कत्ल नहीं किया गया बल्कि हानी जिंदा है बस। लेकिन साथ में हजरत हानी ने इतना और कहा था कि इस वक्त गवर्नर हाउस में चंद लोग, अगर सारे लोग नहीं बल्कि बाहर जो लोग मुहासरा किए हुए हैं, चंद लोग मिलकर के हमला कर दें
तो इस गवर्नर हाउस की ई हाउस की ईट से ईट बच जाएगी, ये सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे और आज ही कूफे की सरजमीन पर हजरत मुस्लिम की हुकूमत कायम हो जाएगी। कहा जरा ये जाकर के बाहर कह देना। लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इतना कमबख्त था, साथ में अपना जासूस लगा दिया और कहा कि जो तुम ऐलान करोगे, जो बात तुम कहोगे, ये मेरा जासूस तुम्हारे साथ साथ रहेगा, सारी बात तुम्हारी सुनेगा और आकर के मुझे बताएगा। साथ में जासूस लगा दिया। बोर तो नहीं हो रहा है आपको? बात बढ़ाई जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जासूस जब आया, हजरत कादिर शरय ने इरशाद फरमाया, ऐ कूफा के लोगों, मैं देख करके आया हूं, हानि जो है वो शहीद नहीं किए गए, उनका कत्ल नहीं किया गया, वो जिंदा। जब काजी ने इतना सुना, काजी मुहिब अहले बैत थे, नेक आदमी थे, लोगों ने इत्मीनान कर लिया और धीरे धीरे ये भीड़ छटती चली गई। लोग वहां से जाते चले गए, लोग कम होते चले गए, यहां तक कि 500 लोगों का मजमा रह गया। अगर उस वक्त कूफा की गवर्नर हाउस पर हमला कर दिया जाता तो यकीनन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता और कूफा पर हजरत इमाम मुस्लिम हुक्मरा हो जाते। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम ने मना किया। आपसे कहा भी गया था लोगों ने कि हजरत हमला करें, कहा मैं अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराएं और एक दूसरे का खून बहाएं। अलबत्ता जब हजरत कादी शरय ने फरमाया कि मुस्लिम हानि जो है वो जिंदा है, तो तमाम भीड़ छटी चली गई, यहाँ तक कि 500 लोगों का मजमा रह गया और इन 500 लोगों के साथ हजरत मुस्लिम ने कूफा की जामा मस्जिद में मगरब की नमाज अदा फरमाई। जब आपने नियत की थी तो इतनी बड़ी भीड़ थी, जब सलाम फेरा तो एक भी आदमी मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर। हाय कूफियो, तुम्हारी इस बेवफाई को रहती दुनिया तक मिंबरों से बयान किया जाएगा, स्टेजों से बयान किया जाएगा के नवासाए रसूल को पहले तुमने बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ दगा की, मक्कारी की, अय्यारी की और उनका साथ छोड़ दिया और शहीद कराने में तुमने एक किरदार अदा किया। वो लोग सब चले गए। हजरत इमाम मुस्लिम जब कूफा की जामा मस्जिद से निकले थे मगरिब की नमाज के बाद सबक था। अब कंडीशन ये थी आपकी कि आपको प्यास लग रही थी और पीने के लिए आपके पास पानी भी मौजूद नहीं। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के डर की वजह से सारे दरवाजे बंद हो चुके थे कूफा के लोगों के घरों पर, गलियों में चलते जाते थे इमाम मुस्लिम। आपने देखा एक औरत है वो दरवाजे पर खड़ी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उस बेटे का नाम बिलाल बताया जाता है, लेकिन ये इसका बेटे का इसका जो बेटा था वो इब्ने अशअस का गुर्गा था। तो आप वहीं बैठ गए और इरशाद फरमाया, ए माई जरा मुझे पानी पिला दो, पानी मिलेगा। उस औरत का नाम था तुआ। पानी पिलाया हजरत इमाम मुस्लिम को, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद कहा कि हैं नौजवान, आप जवान थे, नौजवान थे, खूबसूरत थे। कहा कि कूफा की फिजा अच्छी नहीं है, शहर के हालात अच्छे नहीं है, अपने घर चले जाओ, पानी पी लिया तुमने। इमाम मुस्लिम ने जवाब न दिया। दोबारा उस औरत ने कहा था चले जाओ, अपने घर जाओ, अगर और पानी चाहिए तो और पानी दे दूं। इमाम मुस्लिम ने जवाब न दिया। उसके बाद फिर 3-4 मरतबा बोला। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा माई मेरा कोई घर नहीं है। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं इमाम हुसैन का चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। कूफियों ने हमें बुलाया, हमारे साथ बेवफाई की, हमारे ऊपर दरवाजे बंद कर लिए, हमारा साथ छोड़ दिया। अल्लाह को समझ। जब उसने ये सुना जिसका नाम तुआ था, वो मुहिब अहले बैत मोहब्बत करने वाली थी, जल्दी से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया, अल्लाह
का शुक्र अदा किया और कहा कि आले नबी के घर मेरे कदम आए, मेरी किस्मत जा गई। अल्लाह समझ आपको खाने पेश किया, लेकिन हजरत मुस्लिम ने खाने को हाथ न लगाया। आप रोते थे, इसलिए रोते थे कि मैंने इमाम हुसैन को खत्म कर दिया है, इन यजीदी कूफियों ने मेरे साथ बेवफाई की है। वो आएंगे अपने साथ बच्चे लेकर के आएंगे, ये लोग उनके साथ भी अच्छा मामला नहीं करेंगे, उनके बच्चों को शहीद कर देंगे, उनको शहीद कर देंगे। इसी बात को याद करते थे और मुस्लिम रोते जाते थे, खाने को हाथ नहीं लगाया। अब मामला ये हुआ कि जब उस बुढ़िया का लड़का आया बिलाल, बुढ़िया ने कहा कि ये जो हैं मुस्लिम इब्न अकील हैं और आज हमारी किस्मत जाग गई, नबी की आल हमारे घर आई हुई है, खुदा का शुक्र हम अदा करते हैं। उसने कुछ नहीं किया, सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई तो जाकर के इब्ने अशअश, उसका नाम तो मोहम्मद इब्ने अशअश था, लेकिन वो कमबख्त ऐसा नहीं है कि उसका नाम मोहम्मद लिया जाए, इसलिए मेरे नबी पाक का नाम है। इब्ने अशअश, अशअश का बेटा, जाकर के बता दिया इस तरीके से हजरत मुस्लिम बिन अकील हमारे घर ठहरे हुए। जब खबर पहुंची उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, 150 आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए हजरत मुस्लिम को भेजा तो आके घर पर 150 आदमी, देख रहे हैं आप खौफ के साथ अहले बैत की शान क्या है। अली का घर भी क्या घर है के जिस घर का घर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है के जिस घर का घर एक बच्चा, इसे भी देखिए शेरे खुदा मालूम होता है। 150 आदमी पहुंचे, आखिरकार घेराव कर लिया और हजरत मुस्लिम से झड़प होती है। आप जब तलवार चला रहे थे तो जुल्फकारे हैदरी लोगों को याद आ गई, यहाँ तक कि कई लोगों को जहन्नम की नींद सुला दिया हजरत मुस्लिम ने, और लड़ते लड़ते आप भी थक गए और दीवार से पीठ लगा दी और आप जख्मी हो गए थे, आपके दंदार हिल चुके थे, आपके मुंह से खून निकल रहा था। अल्लाह को समझ, और उसके बाद फिर ये जो थे कूफी छत पर चढ़ गए थे, छत पर चढ़ने के बाद वहां से आग फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लकड़ियां फेंकते थे, ये अली का लाल। अल्लाह को समझ, जब उन्होंने देखा कि किसी भी तरीके से कब्जे में नहीं आ रहा है और सामने जाने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कहा उसने इब्ने अशअश ने, एक काम करो, हम तुम्हें अमान देते हैं, हम तुम्हें इत्मीनान दिलाते हैं कि तुम्हें ना कत्ल किया जाएगा, न तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी और न तुम्हें कैद किया जाएगा, हमारे साथ चले चलो। कहा कि तुम्हारी अमान पर मुझे भरोसा नहीं है। कहा नहीं, हम तुम्हें अमान देते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत मुस्लिम ने कहा कि ठीक है, आपको खच्चर पर बिठा करके जब ले जाया जाता है, हजरत मुस्लिम बिन अकील की साथ पहली बेवफाई कूफियों ने यह की कि आपकी तलवार निकाल ली। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सबसे पहली गद्दारी और बेवफाई तुमने मेरे साथ ये की है कि मेरी तलवार मुझसे ले ली और मुझे निहत्ता कर दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गवर्नर हाउस में ले जाया गया, वहां पर आपने पानी का मटका रखा हुआ देखा, ठंडा ठंडा पानी। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे पानी पिला दो, तो कहा एक जलील ने कि तुम्हें ये मटके का ठंडा पानी नहीं बल्कि तुम्हें आबे जहीम पीना यानी जहन्नम का पानी पीना है। अल्लाहू अकबर। आप जलाल में आ गए, कहते हैं ऐ मर्दूद, आबे जहीम तुम्हारे लिए है, हम तो वो हैं जो साकिये कौसर की औलाद है, साकिये कौसर के नवासे हैं, आबे जहीम तुम्हारे मुकद्दर है, हम तो अपने नाना के हाथों से कौसर के जाम। फिर किसी एक को और रहम आया, उसने कटोरे में पानी, प्याले में पानी लिया और हजरत मुस्लिम को पेश किया। हजरत मुस्लिम ने जब मुंह को प्याला लगाया तो दांत आंत के हिल रहे थे,
जब मुंह को प्याला लगाया तो खून उतर करके प्याले में आ गया। आपको दूसरा पानी दिया गया, फिर खून आ गया। तीसरा पानी दिया गया, फिर खून आ गया। आपने फिर पानी ना पिया। इरशाद फरमाया कि ये पानी मेरी किस्मत में नहीं है, लगता है दुनिया का पानी ये मेरे नसीब में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर किया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, हे मुस्लिम, आपने सलाम भी नहीं किया। तो किसी ने कहा कि तुम वक्त के हाकिम को सलाम नहीं करते। तो आपने इरशाद फरमाया, जो मेरी मेरे खून का प्यासा है, जो मेरे कत्ल पर आमादा है, मैं उसको क्यों कर सलाम करूं। अगर जिंदगी बच गई तो सलाम कलाम करने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है, बातें करने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है, एक दूसरे से मोहब्बत के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है। बैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुमने हुकूमत के खिलाफ बगावत की, लोगों को उकसाया, हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनाए जंगी, अब तुम्हें जो है शहीद कर दिया जाएगा, तुम्हारी जान बच नहीं सकती। हजरत मुस्लिम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन मेरी तीन वसीयतें हैं। तीन वसीयत क्या है? कहा, मैं ये अम्र इब्ने साद जो है ये मेरा रिश्तेदार लगता है, मैं इससे कोई वसीयत करना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं नहीं सुनूंगा कोई वसीयत। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, सुन क्यों नहीं लेता, तेरे रिश्तेदार सुनने में क्या जाता है। आपने उसको वसीयत फरमाई कि मेरे ऊपर 700 दिरहम कर्ज है, मेरी ये जिरा, मेरी तलवार, मेरा घोड़ा बेच करके मेरे कर्ज को अदा कर देना। और दूसरी वसीयत ये है कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, वो आते होंगे, लिहाजा तुम एक खत किसी को लेकर के इमाम हुसैन के पास भेज देना या चले जाना, ताकि वो इधर ना आए और उनके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए, उनके साथ कोई जुल्म ना होने पाए। और तीसरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे शहीद कर दिया जाए, तो मेरे जनाजे को बेगोरो कफन ना छोड़ा जाए, मेरे जनाजे की बेहुर्मती ना की जाए, बल्कि सुपुर्द खाक कर दिया जाए, लहद में उतार दिया जाए, मुझे कब्र में दफना दिया जाए। हजरत मुस्लिम ने जब इतना कहा, अम्र इब्ने साद से ये गया और जाकर के सारी वसीयत जो आपने की थी राजो न्यास की बात है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बता दी उसने। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, बताया भी तो किसको, वसीयत की तो किसको, जिसने सब कुछ आकर के बता दिया, जिसने सारे राज को जाहिर कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, घोड़ा जिरा और तलवार हमारी मिल्कियत है, हम ये नहीं दे सकते हैं। और रहा जो है इमाम हुसैन के आने का मामला, अगर वो आ गए और उन्होंने बगावत की तो उनके साथ भी ये मामला किया जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो वो उनकी मर्जी है, फिर कोई मामला नहीं है। और रहा लाश का मामला, तो इसकी भी इजाजत नहीं होगी, इस लाश के साथ जो चाहे मैं करूंगा, इसलिए कि ये हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम को कूफा के गवर्नर हाउस की छत पर लेकर के जाया जाता है और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को से आपको शहीद कर दिया गया और वहां से आपके लाश मुबारक को गिराया गया, हड्डियां चकनाचूर हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मुस्लिम यहां आने से पहले अपने दो शहजादे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम था, वो कादी शुरा के यहाँ पर छोड़ करके आ गए थे। कादी शुरा उन बच्चों की देखभाल कर रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया, आपकी शहादत हो जाती है। उधर हजरत कादी शुरा जो थे मोहम्मद इब्राहिम के सर पर हाथ फेर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। आप दोनों शहजादों ने इरशाद फरमाया, ऐ कादी शुरा, आप हमारे साथ ये मामला कर रहे हो, ऐसा लगता है कि हमारे खानदान में जब किसी यतीम के किसी बच्चे के सर पर हाथ फेरा जाता है इस अंदाज से, तो पता चलता है कि उसके वालिद का साया उसके सर से उठ चुका है। यतीमों के साथ ऐसी शफ़क़त की जाती है, लगता है हमारे वालिद को शहीद कर दिया गया। हजरत कादी शुरा की आंखों में आंसू आ गए, दोनों शहजादों को अपने सीने से चिपका लिया, आपकी हिचकी बन गई रोते रोते, और फरमाया, हाँ शहजादो, यकीनन इस मुसाफत के आलम में, इस आलम में, परेशानी के आलम में तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को शहीद कर दिया गया, और ना सिर्फ
इसलिए कि उनको शहीद किया गया है, बल्कि अब तुमको शहीद करने की नौबत आ गई है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनकी गिरफ्त में ना आओ, गिरफ्त में आने से पहले पहले तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। आज ही एक काफला मदीनतुर रसूल जाने वाला है। जब रात का आखिरी पहर होगा, मेरा ये बेटा उस काफले के साथ तुम्हें मिला देगा, उस रास्ते पर तुम्हें छोड़ करके आ जाएगा जो मदीनतुर रसूल का रास्ता है। उनकी गिरफ्त में आने से पहले पहले तुम मदीना पहुंच जाओ, वरना तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। हजरत मुस्लिम के दोनों शहजादों को रात के आखिरी पहर कादी सुलह के बेटे ने लिया और लेकर के उस रास्ते पर गया जो रास्ता मदीनतुर रसूल को जाया करता था। कहा कि अभी वो काफला निकल चुका होगा या निकलने वाला होगा, ये रास्ता जो मदीनतुर रसूल को जाता है, जाओ यहाँ से चले जाओ, सीधे चले जाना मदीनतुर रसूल पहुंच जाओगे। अल्लाह को समझ, छोटे छोटे बच्चों की उम्र क्या होती है, 8 साल और 6 साल की उम्र क्या होती है बच्चों की। आज हमारे बच्चे हुआ करते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भी अकेला भेजना गवारा नहीं करते। हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके आते हैं और स्कूल लेकर के, स्कूल से लेकर के आते हैं जब छुट्टी होती है। लेकिन वो तो वतन कोसों दूर था, सैकड़ों मील दूर था उनका वतन। वालिद का साया सर से उठ चुका है, छोटे छोटे शहजादे हैं, दिन का उजाला नहीं है बल्कि रात की तारीकी है। अल्लाह समझ, दोनों शहजादे जब चलते थे, कोई पत्ता जब खड़कता था तो कलेजा मुंह को आ जाया करता था, डर करके सहम करके दोनों शहजादे बैठ जाया करते थे, कभी आपस में गले मिलकर के रोया करते थे। दोनों शहजादों का आलम यह था। अल्लाह समझ, आज हम गौर करें, रात की तारीकी है, ये साहिब औलाद है, वो अपनी औलाद की तरफ जरा तवज्जो करें। किसी के बच्चों के साथ ये मामला हो तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ना कोई संगत है, ना कोई साथी है, ना कोई रहबर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई सवारी है। ये 8 साल और 6 साल के बच्चे रात की तारीकी में तनहा चले जा रहे हैं। अल्लाह, रात की तारीकी में ये सफर करते रहे, लेकिन मुकद्दर को कुछ और ही होना था, नसीब कुछ और ही चाहता था, कदा किसी और तरफ खींचे ले जा रही थी। जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ तो क्या देखते हैं कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जो सिपाही थे वो सामने खड़े हुए हैं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम आम बच्चे तो नहीं हो सकते, तुम खास बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, तुम्हारा नसब बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा, इस वजह से सच बता दिया कि झूठ बोलना हमारे खानदान की रीत नहीं है और हम यतीम हैं, यतीमों के साथ तो बड़े से बड़ा जालिम भी अच्छा सलूक किया करता है, रहम दिल हो जाया करता है। कहा कि हम मुस्लिम इब्ने यकीन के यतीम हैं। अल्लाह को समझ, जब इतना सुना जुल्फ़ पकड़ ली, कहा हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक रहे हैं और तुम यहाँ से मजे से भागने के चक्कर में हो। ले जाकर के जेल अबू उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। उसने कहा कि इनको जेल में डाल दो, मैं यजीद को खत लिखता हूँ, यजीद जो भी हुक्म देगा इन बच्चों के साथ वो मामला किया जाएगा। अल्लाह को समझ, जब कैद खाने में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उस जेल का जो दरोगा था उसका नाम मशकूर बताया जाता है। वो मशकूर मुहिब्बे अहले बैत था, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला था, आले नबी का मुहिब था, इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला था। उसने जब इतना देखा कि ये अहले बैत के घराने के बच्चे आए हैं, ये मुस्लिम के यतीम आए हैं, ये हजरत इब्राहिम इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम आए हैं, उसने कहा कुछ भी हो, जान भी देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन इन बच्चों को जेल में नहीं रहने दूंगा, इन बच्चों को जेल से जरूर निकालूंगा। अल्लाह को समझ, उन दोनों बच्चों को रात की तारीकी में इस मशहूर नामी दरोगा ने जेल से निकाला और अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद कहा था, ऐ दोनों शहजादो, अपने नाना जान के मदार पर जब जाना तो मेरा सलाम अर्ज करना और मेरा सलाम अर्ज करना, और जब तुम जंगे जंगे जब तुम कादसिया पहुंचो तो ये मेरी अंगूठी रख लो, कादसिया में मेरा भाई है, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीनतुर रसूल तक पहुंचा देगा। अल्लाह को समझ,
रात की तारीख में ये बच्चे चल रहे थे। पहले पहली रात का सफर उनको याद था। कोई भी पत्ता जब खड़कता था कलेजा मुंह को आ जाया करता था। शिष्या बन जाया करती थी, सहम करके बैठ जाया करते थे। पिछली रात में तो सफर किया था, चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए थे। आज जब ये सफर कर रहे हैं वो आबले फूट जाते हैं। चलते हुए आदमी के पैरों में कांटा चुभता है, जख्म और बढ़ जाया करता है। एक वक्त वो था कि जब नबी के रोजे पर जाया करते थे तो नाना के रोजे पर बाबा की उंगली पकड़ के जाया करते थे, लेकिन आज कोई साथी नहीं है। आज वालिद का साया सर से उठ चुका है, वालिद की शहादत का गम है, अल्लाह पर यतीमी का दाग लग चुका है। दोनों बच्चे चलते जाते हैं। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ और जब नमूदार हुआ तो नमाज फज्र का वक्त हो गया। वहां पर उन्होंने एक चश्मा देखा। दोनों बच्चों ने कहा कि हम नमाज फज्र पहले अदा करेंगे। ऐ लोगों, आज हम भी गौर करें। हम सुकून में होते हैं, इत्मीनान में होते हैं, एयर कंडीशन घरों में रहा करते हैं, हम हर तरीके का साजो सामान मुहैया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं। फजर की नमाज सोने में गुजर रही है, जोहर की नमाज काम में गुजर रही है, और असर की नमाज जल्दबाजी में गुजर रही है, मगरिब की नमाज भी जल्दबाजी में गुजर रही है, दुकानों मकान में गुजर रही है, इशा की नमाज भी गफलत में गुजर रही है। अल्लाह पर नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझ करके एक वक्त की फर्ज नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। आओ करबला वालों के वाकया सुनने के लिए आए हो। आज करबला वालों का पैगाम यह है कि तुम्हारे ऊपर अगर मुसीबत के पहाड़ भी तोड़े जाए, कितने ही परेशानी तुम्हारे ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन रब तबारक तआला की बात न छूटने पाए, नमाज तुम्हारी न छूटने पाए, खुदा की बात से कभी इबादत से कभी गाफिल ना। पैगाम करबला है, करबला हमें पैगाम देता है। अब नमाज फज्र अदा करने के लिए चश्मे पर वुजू किया और नमाज फज्र अदा की। नमाज फज्र की बरकत ये हुई कि एक दरख्त था, उस दरख्त के अंदर एक गार थी, खो थी, उस खो में बैठ जाते हैं दोनों शहजादे। नियत दिन निकल के आ चुका था, सोचा कि रात की तारीख की जब होगी तो यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। लेकिन जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, एक लौंडी, एक बांदी, एक कनीज उस नहर से पानी भरने के लिए आती है। उसने जब बर्तन डाला पानी का तो देखा दो नूरानी चेहरे का अक्स उस पानी में नजर आ रहा है। उसने मुड़कर के देखा तो पता लगा पेड़ की खो में दो खूबसूरत चेहरे वाले बच्चे बैठे हुए हैं। पलट करके गई उन बच्चों की तरफ, पूछा कि ऐ बच्चों तुम कौन हो, ऐ बच्चों तुम कौन हो, तुम्हारा हुस्न बता रहा है, तुम्हारी पेशानी बता रही है, तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है, तुम आम तो नहीं हो बल्कि किसी खास में सबसे ताल्लुक रखते हो, लगता है तुम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हो। बच्चों ने कुछ जवाब ना दिया, बल्कि जब मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे होने वक्त उसने कहा तो बच्चों ने बच्चे रो दिए और उसने कहा कि घबराओ नहीं, मैं अहले बैत की खानाजात कनीज हूँ और मेरी जो मालिका है वो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, चलो मेरे साथ चलो। वो कनीज उन बच्चों को अपने साथ ले गई और जो उसकी आका थी उस औरत के हवाले कर दिया दोनों बच्चों को। उस औरत ने जब देखा तो उन बच्चों की बलाएं ली, उनको नहलाया, कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा लगाकर जुल्फों में तेल लगा या कंगी की और उनकी खिदमत की खाना खिलाया। अल्लाह को समझ रात की तारीकी आ गई और रात की तारीकी में कमरे के अंदर उनका बिस्तर कर दिया और कहा कि बेटा ऐ शहजादो अब तुम यहीं पर कयाम करो, यहीं पर आराम करो। अल्लाह अकबर। इसका जो शौहर था जिसका नाम हारिस था, वो इनाम के चक्कर में दोनों बच्चों को ढूंढ फिर रहा था। रात को काफी लेट घर आया, बीवी ने पूछा कहाँ थे पूरे दिन। कहा कि पूरे दिन में मुस्लिम के दोनों बच्चों को तलाशता रहा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा अगर वो बच्चे मिल जाए। मैं दिन भर तलाशता रहा, मेरा घोड़ा भी मर गया, लेकिन वो बच्चे हाथ ना आए। अल्लाह अकबर। बीवी ने समझाया अहले बैत की दुश्मनी मोल ना लो, अहले बैत की दुश्मनी में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, ताकि तू अपने
शराब अपने पास रख, अपने राग अपने पास रख और सो जा। तो हारिस सो गया, इसलिए जल्दी सो गया कि सुबह उठकर तो उन बच्चों की तलाश में फिर निकलना है और अगर बच्चे मिल गए तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से मुझे इनाम पाना है। अल्लाह कुछ समझ, रात की तारीकी जब आई तो जिस कमरे में दोनों शहजादे ठहरे हुए थे उस कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। जब उसके कानों में उस बच्चों के रोने की आवाज पड़ी, बीबी से पूछा बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। बीबी ने कह दिया किसी पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा। कहा नहीं, हमारे घर से ये रोने की आवाज आ रही है। कहा कि तुम्हारे कान बज रहे हैं। कहा मेरे कोई कान नहीं बज रहे हैं, मैं देखूंगा जरूर। उठ गया और तलाशी लेने लगा। जिधर से रोने की आवाज आई थी उसी कमरे की तरफ गया था। दरवाजा तोड़ दिया गया, दरवाजा खोला। अच्छा वो बच्चे रोए क्यों थे, रोने की वजह क्या थी? वो बच्चे इसलिए रोए थे कि मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम यानी बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, ऐ भैया मैंने ख्वाब देखा है कि नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे दादा जान हजरत अली शेर खुदा है, हमारी दादी फातिमा जहरा है और हमारे अब्बा हजरत मुस्लिम बिन अकील है। वो आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मुस्लिम तुम अकेले आ गए, अपने दोनों शहजादों को किसके सहारे छोड़ करके आए हो, उनको लेकर के क्यों ना आए? तो अब्बा ने कहा, हमारे वालिद ने कहा नाना जान से, ऐ या रसूल अल्लाह, नाना जान थोड़ी देर की बात है, वो भी आने वाले हैं, लगता है हमारी उम्र का बहुत थोड़ा हिस्सा रह गया है, लगता है हमारी जान भी जाने वाली है, लगता है हमें भी शहीद कर दिया जाएगा। दरवाजा तोड़ा गया और कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि ये तुम्हें पहले बैत का घर है, यहाँ डर किस बात का? खुल करके बता दिया, हम मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम है। दोनों को सुल्फों से पकड़ा, खींचा, तमाचे मारने लगा, चेहरे पर तमाचे लगाता था, कहता था कि तुम जो है मेरे घर में दावत उड़ा रहे हो, मजे उड़ा रहे हो, आराम की नींद ले रहे हो, आराम से जिंदगी बसर कर रहे हो, मेरा घोड़ा मर गया, ढूंढते ढूंढते तुम्हें परेशान हो गया। समझ, यही पर बस नहीं, जब तमाचे मार रहा था उनके तो उसकी बीवी आ गई हारिस की। कहा खुदा की कसम पीछे से पकड़ लिया इन बच्चों पर जुल्म ना कर, अहले बैत की दुश्मनी में अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर। अल्लाह अकबर, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अहले बैत पर जुल्म करना, समझ लो जिसने अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई, समझ लो उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है। सुनो, हजरत अब्दुल वहाब शारानी के हवाले से अल्लामा यूसुफ नभानी लिखते हैं कि एक शख्स थे जो बहुत बड़े फकीह थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने किसी सैयदजादे को मारा, जब मारा तो ख्वाब में क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त पाक सूजा हुआ है और ऐसा लगता था कि जिस तरीके से शहद की मक्खियां किसी को काट लिया करती हैं और उसकी जर्ब की वजह, उसके काटने की वजह से सूजन आ जाया करती है, रसूलुल्लाह का हाथ इसी तरीके से सूजा हुआ है। रसूलुल्लाह ने देख करके चेहरा फेर लिया, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझसे आपने अपना चेहरा फेर लिया? आपने इरशाद फरमाया तूने मुझे मारा, तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई, या रसूलुल्लाह मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं आपको कैसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ? कहा कि तूने एक आले रसूल को मारा है, तूने एक आले रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, सुन तूने उसको बाद में मारा, तेरे जर्ब, तेरे तेरे जर्ब का जो असर है मेरे हाथ पे पहले पहुंच गया, मेरे जिस्म पर पहले पहुंच गया। तो जिसने अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई, समझ लो उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह को समझ, और आला हजरत अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक से जो हदीस लेकर के आए हैं वो तबसरा करते हैं उस पर। हदीस लिखने के बाद आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उनको हदिया देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, कल अहले महशर मुझे तलाश कर रहे होंगे, लेकिन मैं अहले बैत के खादिमों को तलाश कर रहा हूँ कि उनकी शफाअत करने के बाद उनको जन्नत दिला दे। तो कहा कि अपनी आखिरत बर्बाद मत कर, अपनी आखिरत को तबाह ना कर, जहन्नम में जाने का सामान ना कर। अल्लाह खुश समझ,
पकड़ लिया, लेकिन बीवी को धक्का दिया और दोनों को बच्चों को जुल्फों से बांध दिया। उस जमाने में जुल्फ रखने का एक आम रिवाज था, कांधों तक जुल्फ रखते थे लोग, कान की नोक तक जुल्फ रखते थे। ये नबी पाक की सुन्नत है। आज तो हमारे यहाँ देखो बाल ऐसे न जाने किस किस के नाम से बाल रखे जा रहे हैं। बाल अगर रखना है तो नबी पाक की सुन्नत के तरीकों से रखो। बाल रखना है तो नबी पाक के नाम के बाल रखो। जुल्फे भी रखो तो नबी से नबी की मोहब्बत में रखो, नबी की सुन्नत के तरीके पर जुल्फे रखो, वरना किसी दुनियादार के तरीके पर तुमने जुल्फे रखी। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, दुनिया में जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल उसका हश्र भी उसी के साथ किया जाएगा। तो जुल्फे बड़ी बड़ी थी दोनों शहजादों को, दोनों जुल्फों से बांध दिया। जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा जो हुआ करता है वो इंसान के बाल हुआ करते हैं। बांध दिया, रात चली गई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ। दोनों बच्चों को पकड़ा, जुल्फों से खींचा, खच्चर पे बिठाया। बीवी ने बहुत पकड़ा, कहा मत जाओ, मत मारो इन बच्चों को, मत कत्ल करो। लेकिन वो ना माना, बीवी को इतनी जोर से मारा कि उसका सर दीवार में लगा और वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। उसका बेटा आया, उसको भी मारा, अल्लाह कुछ समझ, और दोनों बच्चों को फुरात के किनारे पर लेकर के गया। दोनों बच्चों को जब वहां पर फुरात के किनारे पर उतारा तो बड़े भाई ने अपने आस्तीन से छोटे भाई के आंसू पहुंचते हुए कहा था, ऐ भाई परेशान ना हो, अब हमारी जिंदगी का वक्त आ गया है, हम जल्दी नाना जान से मिलने वाले हैं, दादी जान और दादा जान से मिलने वाले हैं, अपने वालिद से मिलने वाले हैं, बाबा जान के पास पहुंचने वाले हैं, अब हम करीब जुदा हो जाएंगे, अल्लाह कुछ समझ। लेकिन एक बड़ा भाई कहता था, ऐ हारिस पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं अपने भाई को कत्ल होता हुआ ना देखूं। छोटा भाई कहता है पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं अपने भाई को कत्ल होता हुआ ना देख सकूं। पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, यही दोनों भाई कह रहे थे। इतने में बीवी पीछे से फिर आ जाती है और बीवी ने फिर रोका, लेकिन इस बार उस जालिम ने इंतहा कर दी, अपनी बीवी को ही कत्ल कर डाला। अल्लाह अकबर, वाह रसूल, हाय रसूल, मुसीबत की कहानी। इंसान पर जब दुनिया गालिब होती है तो वो सख्त दिल हो जाया करता है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है, अपने ईमान का सौदा कर दिया करता है। लिहाजा मेरे भाइयों, कहीं भी रहो, कैसे भी आलम में रहो, गुर्बत की जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लेना, मुसीबतों में गुजारना पड़े तो गुजार लेना, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लेना, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लेना, लेकिन इस्लाम का सौदा कभी ना करना, इस्लाम के मानने वालों का सौदा कभी न करना, कौम मुस्लिम का सौदा कभी न करना, कभी भी इस्लाम से गद्दारी और बेवफाई मत करना, हमेशा मोमिन बनकर के जीना और मोमिन बनकर के दुनिया से जाना, ताकि खुदा की बारगाह में तुम सुर्ख रूह हो जाओ, नबी की बारगाह में तुम सुर्ख रूह हो जाओ, इमाम हुसैन की बारगाह में तुम सुर्ख रूह हो जाओ। यही पैगाम करबला है आज का। लिहाजा दोनों बीवी को कत्ल कर दिया, उसका बेटा आया उसको भी कत्ल कर दिया। वो जो कनीज लेकर के गई थी वो आई, उस कनीज को उस औरत ने इस खुशी में आजाद कर दिया था, अहले बैत के बच्चों को तुम लेकर के आई उसको आजाद कर दिया था, लेकिन जो उस कनीज ने सुना था वो भी आई उसको भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे गिरट रट में दोनों शहजादों की गर्दन झुका दी और एक तलवार का बार उसने जोर से किया। एक हल्की सी चीख तूफा की फजाओं में गूंजी, नहरे फरात के किनारे पर गूंजी और दोनों बच्चों के जिस्म, दोनों बच्चों के लाशें तड़प कर के ठंडे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सर काट लिए दोनों बच्चों के। टोकरे में सजाने के बाद पहुंचा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास और कहा के ले, मैंने मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया, उनके सर लेकर के आया हूँ। उसने कहा सर लेकर के आया है मर्दूद, उससे किसने कहा था दोनों बच्चों को शहीद करने के लिए? मैं यजीद के लिए खत लिख चुका हूँ, मैंने उससे वादा किया है कि जैसा यजीद का हुक्म होगा उसके हुक्म पर अमल किया जाएगा। अब मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा, तूने किसके हुक्म से बच्चों को कत्ल किया? लिहाजा उसने हुक्म दे दिया कि इस जालिम को भी ले जाओ
ले जाकर के नहरे फरात के किनारे पर इसको भी कत्ल कर दो, देख लो हाथ के हाथ अंजाम मिल गया उसको। लिहाजा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से पुर्ब करने रखने वाले, अहले बैत के दुश्मन, अहले बैत को जिन्होंने कत्ल किया उनको तो दुनिया में सजा मिली थी, लेकिन जो लोग मशवरे में शामिल थे जमीन के ऊपर उनको ऐसे ऐसे मर्द हो गए जिनके इलाज नहीं थे, कोई किसी बीमारी से मरा, कोई किसी बीमारी से मरा। इसलिए जालिम सिर्फ जुल्म करने वाला ही नहीं होता है, बल्कि जुल्म के मशवरे देने वाला भी जालिम। अच्छा, ये दो शहादतें मैंने आपके सामने रखी और शहादतें भी हो गई, और शहादत तो सुना ही जाती है जब कोई प्रोग्राम होता है, करबला का पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, लेकिन आपने एक सेकंड के लिए सोचा, अब तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल अब कोई वाकया नहीं, कोई करामत नहीं और कोई शहादत नहीं। करबला क्या कहता है और करबला क्यों है, करबला पैगाम क्या देता है, आखिरकार जंग किस वजह से थी इमाम हुसैन से, सर क्यों कटा दिया, आप भी बयत कर लेते। तो यजीद जो था उसका फिस्क व फुजूर जाहिर था, नमाजें छोड़ता था, शराब पीता था, जिना करना कोई आयब नहीं था, तीन दिन अपने लश्कर को हलाल कर दिया था मदीने की औरतों को, माजल्ला मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए थे उसने, मिंबर पर लीद और पेशाब किया हुआ मस्जिद नबवी के, जिस मिंबर पर हुजूर खड़े होकर खुतबा पढ़ा करते, तीन दिन मदीने की औरतों को अपने लश्कर पर हलाल कर दिया, शराब पीता था, जानी था, कुत्ते और बंदर का खेल देखता था, जिनसे निकाह हराम है, जो मेहरमात है, फूफी है, माँ है, बहन है, ठीक है, खाला है, वो जो मेहरमात जिन औरतों से इस्लाम में निकाह हराम है उनसे निकाह का कायल था, मतलब वो शरीयत को नहीं बल्कि तबीयत को फॉलो करने वाला इंसान, शरीयत को पर अमल नहीं करता था बल्कि वो तबीयत पर अमल करता था। अब इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए कहा, तब इमाम हुसैन ने कहा यजीद फासिक है, फाजिर है, नमाजें छोड़ता है, जुआ शराब नोशी बदकारी उसके अंदर आम है, अगर मैंने इमाम बरहक होते हुए यजीद जैसे फासिक फाजिर के हाथ पर बैत कर ली तो कल इन मस्जिद के मुसल्लों पर फासिक और फाजिर हुकूमत करना शुरू कर देंगे। कल का मुसलमान जब देखेगा कि हुसैन ने यजीद जैसे फासिक और फाजिर के हाथ पर बयत कर ली तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। हर इंसान शरीयत पर नहीं बल्कि अपनी तबीयत पर अमल करता हुआ नजर आएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ देना दोबारा ना, और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि कोई कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना आ जाए, कोई कितना ही बड़ा हो हाकिम क्यों ना आ जाए, अगर इस्लाम के खिलाफ हो तो तुम्हें अपने तन मन धन औलाद की कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी दे देना, लेकिन इस्लाम के मामले में किसी से समझौता ना करना। यह पैगाम है करबला। अब इमाम हुसैन को देख ले, 25 हज पैदल किए थे इमाम हुसैन, 25 हज, पंजगाना नमाज अदा करने के बाद 3000 नमाज नफल हर दिन अदा करते थे, 3000 नमाज नफल, सिला रहमी शफकत छोटों पर, बड़ों की इज्जत, दीन का काम करना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करना, ये सब क्या है, ये हुसैनी काम है, ये हुसैनी मिशन है। आज हम अगर नमाज छोड़ेंगे तो बताओ हम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि यजीद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शराब पिएंगे, नशा करेंगे, आज कितने लोग हैं, आज नौजवानों को देखो, गुटके से शुरू होकर के एमडी तक और शराब तक चरस गांजा तक हमारे कौम में मुस्लिम के नौजवान पहुंच रहे हैं। इस्लाम में नशा हराम है,
अब इस पर हदीस में पढ़ने पे आ जाऊं तो इतना वक्त नहीं है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि किसी शराबी को कब्र में बंद करो और उसके बाद दफन करने के बाद आ जाओ, मुझे कमरे में बंद करके आ जाओ और जाकर के उस शराबी की कब्र खोल करके देखना, किबले से उसका चेहरा फिरा हुआ होगा, उसका मुंह या तो सूअर की तरह हो चुका होगा या बंदर की तरह हो चुका होगा। कल कयामत को जो उठाया जाएगा तो सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा और पीने के लिए ऐसा जाम दिया जाएगा उसको। जब वो अपने चेहरे के करीब लेकर के आएगा तो चेहरे की सारी खाल सिमट करके उस प्याले में आ जाएगा। आज अगर नशा करते हो, कोई भी नशा करते हो, इस्लाम में इतना नशा हराम है जो चलने में पैर लड़खड़ाए, और बाकी नशा से भी बचना, बीड़ी सिगरेट हुक्का से बचना भी बेहतर है। कितने लोग हैं जो नशा करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी करते हैं, खुदारा अगर नशे की लत लग गई है तो नशा करने से पहले सोच लेना है तो यजीद के मिशन पे हो, इमाम हुसैन के मिशन पे। नशा करना छोड़ दो, अगर हुसैन को राजी करना है, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, पाबंदी करना शुरू कर दो नमाजें पढ़ने का कि हुसैन को राजी करना है। इमाम हुसैन को झूठ से नफरत थी, यजीद को मोहब्बत थी, वो झूठ बोलता था। आज कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, अपनी रोजी रोजी के रोजी रोटी के लिए झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, खयानत करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, बेवफाई करते हैं, वादा वफा नहीं करते। हुजूर ने फरमाया जो झूठ बोलता है वादा वफा नहीं करता वो हम में से नहीं। वादा वफा करना ये इमाम हुसैन का मिशन और सुन्नत है, और वादे को वफा ना करना, झूठ बोलना, ये यजीद की सुन्नत है। नमाजें छोड़ना ये यजीद का काम है, ये हुसैन और हुसैनियों का काम नहीं है। जिना करना किसका काम है, ये यजीदियों का काम है। कितने लोग हैं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हर इंसान जानता है कि मैं कितना पारसा हूं। मैं भी आप लोगों में से हूं, मैं कोई नेक पारसा नहीं हूं, मुत्तकी नहीं हूं, मैं भी आप लोगों में से हूं। हम सब अहद करें कि जिना के करीब ना जाएंगे, शराब को मुंह नहीं लगाएंगे, चोरियों के करीब नहीं जाएंगे, झूठ के करीब नहीं आएंगे। आज देखो इस दिल्ली के अंदर सर्वे कर लो, दिल्ली को छोड़ो संगम बिहार का सर्वे कर लो, चोरियों के अंदर सबसे ज्यादा जो मुलव्वित है वो कौम मुस्लिम से बच्चे मुलव्वित। इसलिए मुलव्वित है, उसकी वजह एक ये है कि कौम मुस्लिम अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं, तालीम नहीं देती, इल्म नहीं देती, जाहिल रखते हैं अपने बच्चों को। जब वो जाहिल होगा, ना उसके पास हुनर होगा, ना उसके पास इल्म होगा, तो बताओ वो शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा, चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसके अखराजात होंगे, उसके खर्चे होंगे, उसकी फैमिली होगी, तो क्या बचेगा। वो चोरी नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्या करेगा। ये जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि औलाद अल्लाह दे तो औलाद की परवरिश दीन के सांचे में करो। सबसे पहले उनको इल्म दो, और इल्म भी दो तो दीनी तालीम अव्वल दर्जे पर उनको दिलाओ, बाद में दुनियावी तालीम भी भरपूर अंदाज में दिलाओ। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा किसी मुहाज पर किसी शोबे में कमजोर नहीं रहना चाहिए। हम अपने बच्चों को आलिम भी बनाएं, हाफिज हाफिज भी बनाएं, साथ में डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, बड़े बड़े ओहदे वाले बनाएं। अल्लाह करे खूब तरक्कियां करो, हर शोबे में हमारा बच्चा होना चाहिए। फिर देखो इंकलाब नहीं आता है तो क्या आता है, हमें मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान क्या है, हिंदुस्तान का कानून क्या है। सारी जबानों में संविधान मौजूद है। आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था, एक बड़ी अच्छी बात मेरे ध्यान में आई, हजरत मदरसों में भी जो उर्दू में संविधान लिखा है वो पढ़ाया जाए, इस पर पहल करना चाहिए। मदारिस के अंदर भी जो उर्दू में संविधान लिखा है वो पढ़ाया जाए, ताकि जब संविधान पढ़ा हुआ होगा, मुल्क का आईन पढ़ा हुआ होगा बच्चा, तो फिर किसी से बात करने में घबराएगा नहीं, जवाब देता हुआ नजर आएगा और दुश्मनान इस्लाम के दांत फटते करता हुआ नजर आएगा, लोग लाजवाब होकर के भागते हुए नजर आएंगे। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। तो चोरियों का मामला देखो, मैं तो हैरत हूं, तो ये दूसरे लोगों का माल किस तरीके से गजब करते हैं, कैसे वो अपने पेट में आग के अंगारे भरते हैं लोगों की चोरियां करके माल की। एक आला हजरत फरमाते हैं,
कि जिसने तीन पैसे किसी की मार लिए, बेईमानी कर ली, तो 700 वो नमाजें देना पड़ेंगी जो जमात के साथ अदा की हुई। अब समझ लो, तीन पैसे का बवाल है, ये तीन पैसे की बेईमानी किसी ने की होगी तो 700 नमाजें जो जमात के साथ अदा की होगी वो देनी पड़ेगी, और नमाजें और नेकियां खत्म हो जाएंगी। तो फिर उस इंसान के जिसकी चोरी, जिसका गुनाह, जिसकी गीबत या जिसकी बुराई, जिसका हक मारा है, समझ लो उसके गुनाह इसके सर डाल दिए जाएंगे। हम कहते हैं मुसलमान, इमाम हुसैन का मिशन क्या है? अपने दिल को साफ रखो, अपने माशरे को साफ साफ रखो। आज देखो एक निशानी बन गई, निशानी जहां मुसलमान रहते हैं वहां गंदगी मिलेगी, पूछने की जरूरत नहीं है। जहां देखो गंदगी वहां समझ लो यहां मुसलमान बसते हैं। क्या फरमाया था हमारे नबी ने? अत्तहारत निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान, निस्फ ईमान है। लेकिन आज देखो अपने घरों में तो सफाई इंसान करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गलियों को साफ करने के लिए तैयार नहीं है, अपने रास्तों को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान ये जिम्मेदारी ले ले कि जो उसका गेट है, गेट के बाहर का जो सामने का रोड है, हर इंसान अगर जिम्मेदारी ले ले कि मैं अपने आगे के रोड की सफाई रखूंगा, अपनी नाली की सफाई रखूंगा, अपनी गलियों की सफाई रखूंगा, अपने माशरे की सफाई रखूंगा। आज तो दूसरे लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारे ऊपर जो गंदगी और नापाकी का एक छप्पा लग चुका है, किसी हद तक वो धुलता हुआ है। और हम दुनिया को दिखाने के लिए करें, हमारे नबी ने फरमाया सफाई का हुक्म, हमारे नबी ने दिया, हम सफाई करें अपने लिबास की, सबसे पहले अपने दिल की, अपने कल्ब की, अपने सीने की, अपने बातिल की, अपने लिबास की, अपने घर की, अपनी औलाद की, अपनी गलियों की, अपने माशरे की, अपनी सोसाइटी की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने देहात की, अपने मुल्क की। ऐ लोगों सफाई रखो, सफाई सफाई आधा ईमान है। आज पैगाम करबला ये लेकर के जाओ, सफाई रखना, साफ रहना, सफाई करना, ये भी करबला वालों का पैगाम है। जो करबला को याद रखेगा, करबला वालों से मोहब्बत करेगा तो नमाजें पढ़ेगा, छोड़ेगा। जो करबला वालों से मोहब्बत करेगा वो शराब को मुंह नहीं लगाएगा। जो करबला वालों से मोहब्बत करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जो करबला वालों से प्यार करेगा वो कम नहीं तोलेगा। जो करबला वालों से प्यार करेगा वो जो है किसी की गीबत चुगलखोरी नहीं करेगा। जो करबला वालों से मोहब्बत करेगा वो जो है किसी पर जुल्म नहीं करेगा। जो करबला वालों से मोहब्बत करेगा वो सफाई रखेगा, अल्लाहू अकबर। जो करबला वालों से मोहब्बत करेगा वो बुराइयों के करीब नहीं जाएगा। ऐ लोगों, यही हुसैनी किरदार है कि गुनाहों का जनाजा निकाल दो। यही हुसैनी किरदार तो यह है कि बदअमलों के खिलाफ तुम जिहाद करो। यही हुसैनी किरदार तो यह है कि गुनाहों के खैमे में आग लगा दो। यही हुसैनी किरदार जब हम लेकर के गंगा के किनारे, दरिया के किनारे उतरे थे तो ये आवाज तुम्हारे लिए ही तो आई थी, आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। ये आवाज किसके लिए आई थी? आवाज हमारे लिए ही तो आई थी। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दिल के फतूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, दिन तक चांद था अफसोस को हाले न रहे। अल्लाह असल समाले ही अजरन इल्ल मवद का फिल कुर्बा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता कुरान मजीद में, ऐ महबूब आप लोगों को बता दीजिए कि अगर मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं तलब करता जो मैंने दीन तुम पर पहुंचाई है, मगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत में सब कुछ आ गया, इतनी इस्लाह की बात मैंने आपसे की है। इंशाअल्लाह जो हुसैनी होगा इस पर अमल करेगा, अल्लाह हमें आप बुराइयों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनी मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो शरीफ शामी हो गई हो मैं तौबा करता हूँ, रब तबारक ताला अपनी सत्तारी वफारी का पर्दा डाल करके माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन वा तूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत ला
हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला, हो सलाम शमाए बजले हिदायत ला, हो सलाम शमाए बजले हिदायत। हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद, हम फकीरों की शरत ला, हो सलाम हम फकीरों की शरत ला। करबला की जमीन और इमाम हुसैन, करबला की जमीन और इमाम हुसैन, उस शहीद मोहब्बत ला, हो सलाम उस शहीद मोहब्बत, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन पे हैदर फैला, हो सलाम उस हुसैन पे हैदर फैला। मुझसे खिदमत के खुद से कर हार रहा, मुझसे खिदमत खुद से कर हार रहा, मुस्तफा जान रहमत तेरा, हो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत तेरा, हबीबल्लाह।